हमारे पास में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, ये हो गया हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। अभी मैं प्रॉब्लम आपको ओरली बता रहा हूं बच्चों, तो आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे करेंगे जो थ्योरी वाले होंगे, क्योंकि अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैं ओरली प्रॉब्लम बताऊंगा। स्टूडेंट देखो, प्रॉब्लम यह है बच्चों कि एक बॉडी को हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। समझ आ रही बच्चों बात? एक बॉडी को हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर है एक वॉल, ठीक है, एक वॉल है बच्चों, एक दीवार है, यहां पर एक दीवार है कुछ ऐसे, जिस बॉडी को हमने यहां से थ्रू किया है ना स्टूडेंट, वो बॉडी उस वॉल को जस्ट टच करके जाती है। और वॉल की जो ऊंचाई हम लोगों को दी गई है, वॉल की जो हाइट हम लोगों को दी गई है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, वॉल वॉल की जो हाइट हम लोगों को दी गई है वो दी गई है ओनली 5 मीटर। वॉल की हाइट हमारी ओनली 5 मीटर है। समझिएगा बात को, प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। वॉल की जो हाइट है वो 5 मीटर है, ये जो बॉल है हमने इसे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ये बताना है कि अगर ये बॉल जस्ट टॉप को टच करके जाती है तो ये दीवार उस पॉइंट से कितना दूर है। समझ आ रही बच्चों? ये जो दीवार है ये उस पॉइंट से कितना दूर है जहां से हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है। प्रॉब्लम समझिए बिल्कुल ध्यान से कि एक बॉल को हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया है विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमारे पास में एक दीवार है, हाइट है 5 मीटर, और जस्ट बॉल जो है ना उसके टॉप को टच करके जाती है, बिल्कुल जस्ट हल्का सा टच करके जाती है। समझ आ रही बात? आपको बताना है कि ये वॉल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये दीवार कितना दूर है आपको ये बतानी है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, भाई एक बात देखो कि हमने माना कि ये जो दीवार है ये यहां से एक्स डिस्टेंस दूर है। अच्छा, अगर ये एक्स है तो ये हो गया वाई, और यहाँ की जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए एक्स कॉमा वाई। बताओ हो गए या नहीं हो गए? ये दीवार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक्स दूर है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू वाई की हो गई। अब देखो हमारे पास में क्या क्या है और हमें क्या निकालना है। भाई हमारे पास में वाई है, वाई की वैल्यू है 5 मीटर। समझ आ रही बच्चों बात? हम लोगों को एक्स निकालना है, ठीक है। हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास में एंगल भी है, एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। ये कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास में। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना है। अब देखो भाई, हमने जस्ट एक्स और वाई में एक रिलेशन पढ़ा, वो रिलेशन आप लोगों को लगाना आना चाहिए। उस रिलेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो रिलेशन जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस रिलेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो इक्वेशन है ये वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लीजिए साहब, जो कंडीशन जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी है उसका नाम है इक्वेशन। ये एक्स और वाई में बहुत बढ़िया सा रिलेशन है यार, बच्चे ढूंढते रह जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, और मैं कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका इक्वेशन है। बस किसी को आना चाहिए, बात पकड़ में आनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना है, वाई हम लोगों को गिवन दे रखा है। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू है हमारे पास में 5। ओके बच्चों, एक्स टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, माइनस हाफ, जी की वैल्यू है 10, यू की वैल्यू है 20, स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 400, ये है एक्स स्क्वायर,
कॉस थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा। 5 इज इक्वल टू 10 थीटा यानी अंडर रूट 3x माइनस, भाई ये बनेगा हमारे पास में 1/2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, ये बना 200, इससे ये कैंसिल आउट, ये बना x स्क्वायर अपॉन 20। तो ये एक प्यारी सी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ध्यान से बात को सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट हम सिंपल तरीके से तो निकाल नहीं पाएंगे, दिख रहा है निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे हम। इसके रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। भाई 10th क्लास में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए देखिए जस्ट इक्वेशन बनेगी, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर माइनस के 20 अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बनेगी 1, बी की वैल्यू बनेगी माइनस के 20 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू बनेगी 100। ए बी सी हमने निकाल दिया है, एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका होगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। एक बार हम बीच में प्लस लेंगे, एक बार हम बीच में माइनस लेंगे, एक्स की दो वैल्यू निकल कर आएंगी बच्चों यहाँ से। क्यों निकल कर आएंगी एक्स की दो वैल्यू, क्योंकि ये जो 5 मीटर हाइट है ना वो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, ये 5 मीटर हाइट यहाँ पर भी है, बात को ध्यान से समझिएगा। तो एक्स की अगर ये 5 मीटर यहाँ पर हुआ, एक एक्स की एक छोटी वैल्यू आएगी एक बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ये हाइट 5 मीटर यहाँ पर हुई तो एक्स की ये वैल्यू निकल जाएगी जो छोटे वाली वैल्यू होगी यहाँ से, और जो यहाँ से बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी वो इतनी वैल्यू को दिखाएगी कि भाई ये 5 मीटर यहाँ नहीं है, ये वॉल यहाँ नहीं है, ये वॉल यहाँ पर है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें।